तो आखिरकार वो दिन आ गया था जिसका मुझे पिछले 3 साल से इंतजार था। एक ऐसा दिन जो कि मेरी पूरी लाइफ चेंज करने वाला था, मेरी पूरी फैमिली की लाइफ चेंज करने वाला था और आखिर में जाकर के मेरे नाम के सामने डॉक्टर वर्ड लगाने की क्षमता रखता था। वो था नीट का एग्जाम डे। 5 मई 2019 को मेरा एग्जाम था। काफी टाइम से मैं इस एग्जाम डे के लिए वेट कर रहा था। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, ये एग्जाम मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। एग्जाम जिस दिन था उस दिन के एक दिन पहले रात की बात बताऊं तो जैसा सबके साथ होता है नींद कम आ रही थी, थोड़ी सी एंजाइटी थी, पर मैंने खुद को कंट्रोल किया कि नहीं मुझे एंग्जायटी नहीं होना है, मुझे औरों की तरह पिछले जब मैंने पेपर्स बिगाड़े हैं उस तरीके से अपने पेपर नहीं बिगाड़ना है और मैंने जितना हो सके खुद को कंट्रोल करके आराम से एक साउंड स्लीप लेने की कोशिश करी, जैसे कि मैं हमेशा से करता हूँ। मैंने आप लोगों को बोला भी है मैं थोड़ा सा वॉकिंग और रनिंग करने जाता हूँ, तो उस दिन भी मैं गया क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है मेरी पढ़ाई के रिगार्डिंग। और मुझे ये भी था कि अगर मैं थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा सा भी करके जाऊँगा तो मेरा पेपर अच्छा जाएगा, बिकॉज माइंड वर्क विद बॉडी। 2 बजे मेरा एग्जाम था, 2 से 5 मई का टाइम था। मई का टाइम जो अभी टाइम चल रहा है आप समझ पा रहे होंगे कितनी गर्मी होती है, और वो गर्मी में एक ऐसे जगह एग्जाम देने जाना था जहाँ पे कोई एसी नहीं था, पूरे पंखे थे और वो भी कम थे, तो मतलब बिल्कुल गर्मी में पसीने में मुझे एग्जाम देने आना था। आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट, मॉक टेस्ट लगाता था तो खुद को मैं ऐसे गर्मी में रख करके एसी वगैरह नहीं चला के, पंखा भी कई बार नहीं चला के एग्जाम दिया करता था, जिससे कि मेरे को वो गर्मी वाला जो चीज है वो एग्जाम डे पे परेशान ना करे। नाउ कमिंग बैक टू, सुबह का टाइम था अराउंड 11, 12, 10, ऐसा लोग बोलते हैं कि टॉपर्स लोग नहीं पढ़ते एग्जाम के डे पे, लेकिन पर्सनली मैंने पढ़ा था। और द रीजन बीइंग इज कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि अगर हम एग्जाम डे पे थोड़ा सा पढ़ें तो हमारा माइंड जो है वो जो सोचने की क्षमता है उसकी थोड़ी सी बढ़ जाती है, हमारे एक फ्लो में माइंड आता है, जो फ्लो हम अगर नीट के पेपर में जा करके बनाएं, केवल अगर हम सुबह ना पढ़ें केवल नीट के पेपर में ही वो फ्लो बढ़ाएं तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे कि एक सिंपल सा फैक्ट है कि अगर आप फिर इसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो पहला क्वेश्चन आपको हो सकता है टाइम लगे, दूसरे में टाइम लगे, तीसरा चौथा टाइम लगे, फिर पांचवें छठवें से एक फ्लो बनता है और आप जल्दी जल्दी सॉल्व करने लगते हो। तो यही मैंने सोच करके थोड़ा सा मैंने पढ़ा था। 2 बजे एग्जाम था तो 12 बजे मैं निकल गया था अपने घर से एंड गया एग्जाम सेंटर पे पहुंचा। नाउ एग्जाम सेंटर पे पहुंचने पर मुझे ऑब्वियसली थोड़ा टाइम मिल गया था, आधे घंटे में वहां पे घूमता रहा, मुझे कई सारे लोग मिलने लगे जो मुझे जानते थे या हम लाइक दोस्त थे, एक दोस्त था वो बातें करने लगा बहुत सारी। नाउ मुझे बहुत इरिटेशन हुआ इस चीज़ से क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा न्यूट्रल माइंडसेट से गया था वहाँ पर एंड मुझे किसी से कुछ बात नहीं करनी थी, मेरे को बस ये था कि एग्ज़ाम दे के आना है बस। थोड़ा सा मैं वहाँ पे ना लाइक मेरे को ऐसा माइंड पर उसका इफेक्ट आ रहा था, लेकिन मैंने उससे बोला कि भाई ठीक है एग्ज़ाम दे देते हैं फिर बात कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद एक बहुत लंबी लाइन जो है लगी हुई थी मेरे एग्ज़ाम सेंटर पे, उसको देख करके थोड़ा सा डरा, लेकिन अगेन मैंने खुद को कंट्रोल किया कि नहीं इस बार नहीं बिगाड़ना है और किसी से कुछ नहीं डरना है। तो फाइनली मैं एग्ज़ाम हॉल में पहुंचा। एग्ज़ाम हॉल में मैं हमेशा से यही करता था और ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 घंटे के बीच में तुम्हें वॉशरूम जाने की जरूरत पड़े। एग्ज़ाम हॉल में मैं बैठा और उन्होंने हमें OMR और पेन डिस्ट्रीब्यूट किया। अब पेन जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट मुझे किया वो पेन कि जो नोक थी वो हिल रही थी। सोचो कि आप एग्जाम देने बैठे हो, एक पेन आता है एंटी की तरफ से, वो उसकी पेन की नोक हिल रही है, आपके दिमाग का क्या माइंडसेट होगा कि यार, पहले तो सोचा कि यार इससे मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा, कोई मतलब नहीं है, मैं जबरदस्ती हो सकता है कुछ गलत भर दूं या मेरा OMR का मैं भरते टाइम पे बाहर निकल जाए वो, ठीक है जो हमारा बबल होता है। मैंने एग्जामिनर से बोला कि मुझे दूसरा पेन दो एंड उसने बोला इसको एडजस्ट कर लो यार, एडजस्ट कर लो इसके साथ। बहुत जोर का गुस्सा आ रहा था मुझे, मैंने दिमाग में सोचा कि यार मतलब क्या बोल रहे हैं ये, कि मैं इस पेन के साथ एडजस्ट कर लूँ या मेरी लाइफ के साथ एडजस्ट कर लूँ, ठीक है, क्योंकि वो पेन डिसाइड कर सकता था कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो मैंने उनसे बहुत ज़्यादा विनती करी कि मुझे पेन बदल दीजिए प्लीज़ क्योंकि ये पेन ख़राब है। तो फाइनली बहुत बार बोलने के बाद दे गेव मी अ सेकेंड पेन, उसका भी कुछ खास नहीं था लेकिन फिर भी मैंने कहा ठीक है इसके काम चला लेंगे। ना उसके बाद एग्जाम पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मैंने खुद की स्थिति बिल्कुल मेंटल स्टेट जो थी बहुत न्यूट्रल बना करके गया था। मैं ये सोच करके गया था कि बिल्कुल भी मुझे एक्सटर्नल फैक्टर से जो है अपने आप को डेविएट नहीं करना है, चाहे कुछ भी गड़बड़ हो एग्जाम हॉल में, मान लो कोई भी प्रॉब्लम आए उससे मुझे अपने मेंटल स्टेट को अफेक्ट नहीं करना है, बिल्कुल न्यूट्रल मेंटल स्टेट, ना ही ओवर एक्साइटेड ना ही डिप्रेस्ड, बिल्कुल न्यूट्रल होनी चाहिए। तो वो मेंटल स्टेट के साथ मैं एग्जाम देने गया था। मैंने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी एग्जाम के साथ, मैंने ये नहीं रखा था कि यार मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ कि हाँ वो दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, मेरी जिंदगी डिसाइड कर सकता था, लेकिन उस दिन मैंने अपने आप से ये सब बातें बिल्कुल नहीं बोली थी क्योंकि मैं को नहीं सोचना सब चीज़ों के बारे में एग्जाम डे पर। एंड द एग्जाम स्टार्टेड, एग्जाम मैं हमेशा से यही था कि मैं पहले बायो करता था, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन मुझे दिमाग में आया कि यार चलो फिजिक्स करते, तो मैं फिजिक्स के साथ स्टार्ट किया। लकीली वो एग्जाम पेपर
थोड़ा सा इजी आया था, मतलब थोड़ा सा क्या बोलूँ, काफ़ी इजी आया था। मैंने फिजिक्स करी, केमिस्ट्री करी, बायोलॉजी करी, पता ही नहीं चला वो एग्ज़ाम मेरा 2 घंटे में ख़त्म हो गया। एंड उसके बाद मुझे 1 घंटा फ्रीली मिल गया था, तो मैंने 1 घंटे में उस एग्ज़ाम पेपर को फिर से सॉल्व किया था OMR को भरते भरते। मतलब मैंने एक क्वेश्चन को फिर से सॉल्व किया एंड मैंने इस तरीके से नीट 2019 का पेपर 2 बार सॉल्व कर लिया था। एग्ज़ाम स्मूथ गया मेरा, रीज़न भी मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम बिगाड़ रखे थे, तो मुझे ये पता था कि भैया स्मूथ कैसे ले जाना है। बहुत ध्यान से मैंने एक क्वेश्चन को पढ़ा, एक एक ऑप्शन को पढ़ा और फिर टिक मारा, तो इस तरीके से मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। एग्ज़ाम हॉल से जब मैं बाहर निकला, तो चूँकि लाइक मैं कोचिंग में अपने थोड़ा सा ऐसा टॉपर काइंड ऑफ कैटेगरी में आता था, तो हमारे सर आए थे लेने मेरा पेपर एग्ज़ाम हॉल में, और भी जितने बच्चे टॉपर काइंड ऑफ थे। अब तो जैसे ही मैं बाहर निकला तो हमारे सर खड़े थे कोचिंग के, और उन्होंने बोला कि पार्थ पेपर दे दो, और वो पेपर ले गए। नाउ मैं पूरा खाली हाथ हो गया था, एंड उसके बाद मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह का यूज़ करके मैं घर पर पहुँच गया कैसे ना कैसे। घर पर जब मैं पहुँचा तो पापा बैठे हुए थे, तो पापा बोलते कैसा गया, तो मैंने सोचा कि थोड़े से मज़े ले लेते हैं, तो मैंने कहा नहीं हो पाएगा। एंड इसके बाद मैंने उन्हें बताया कि अच्छा गया है, ठीक गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा सिलेक्शन वगैरह। तो उसके बाद आई वेंट टू माई कोचिंग, जहाँ पर कि हमारे सर थे और बाकी सब बच्चे भी आए हुए थे जितने भी है। जब सर लाइक पेपर ले गए थे तो उन्होंने मिलाया कि कितने आ रहे हैं, एंड दे सेड मेरे से कि पार्थ तुमने तो फोड़ दिया, 700 मार्क्स आ रहे हैं तुम्हारे। एंड आई वॉज लाइक कि हार, मेरे को रोना आ गया था उस दिन सर के सामने। मैंने सर से बोला कि सर जो भी हुआ है आपकी वजह से हुआ है, और मैं कुछ नहीं बोल सकता सर, मतलब मुझे रोना आ गया था उस दिन कि 700 आ रहे हैं। हालांकि मैं 700 आया नहीं, आंसर की में काफ़ी चेंजेस हुए इसके बाद, जिसकी वजह से मेरे 670 हो गए थे। तो दिस वॉज इट, लेकिन वो डे एक ऐसा डे है जिसने मेरी लाइफ बदली, जिसकी वजह से मैं आज खुद को एक MBBS स्टूडेंट बोलता हूँ और फ्यूचर में खुद को एक डॉक्टर बोल पाऊँगा। तो ये है कि यार लगे रहो, ठीक है, जितना स्मूथ मेरा एग्ज़ाम डे गया है, मेरे कई सारे एग्ज़ाम डे नहीं गए थे जिस वजह से मेरा ये वाला एग्ज़ाम डे स्मूथ गया। तो यही है कि मैं ना डरा भीड़ से, ना मैंने खुद से एक्सपेक्टेशन करी, तो ये सब दिक्कतें मैं पहले फेस कर चुका था। एक एग्ज़ाम्स मैंने बिगाड़ रखे थे, 3 एग्ज़ाम्स, तो उसके बाद जब मैं नीट का पेपर देने गया तो मैंने खुद को एकदम न्यूट्रल रख करके एग्ज़ाम दिया था और एक अच्छे मार्क्स में लेकर के आ पाया था। तो दिस वॉज इट, होप यू लाइक द स्टोरी ऑफ माइन और एग्ज़ाम डे, और ये आपको मोटिवेट करे आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर इसी के साथ, एक और बढ़िया वीडियो आने वाली है जिसमें कि मैं बताऊंगा कि मेरी रैंक का सेलिब्रेशन डे कैसा था, जिससे कि आपको और मोटिवेशन मिले अच्छे से वर्क करने के लिए। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं उस वीडियो में।